Namaskar and welcome everyone in this video on online Google Meet attendance using Android mobile phone. बहुत सारी queries आ रही हैं कि किस तरह से Google Meet पे online attendance लें Android mobile से. मैंने अपने पिछले videos में आपके साथ share किया है कि आप desktop version पे किस तरह से attendance ले सकते हैं. मोबाइल में अटेंडेंस लेने के लिए आपको एक स्पेशल ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा, वो है कीवी ब्राउज़र. जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, कि हमें कुछ क्रोम एक्सटेंशंस डाउनलोड करने पड़ते हैं क्रोम वेब स्टोर से, जैसे कि मीट अटेंडेंस, और अगर आपको ग्रिड व्यू देखना है तो ग्रिड व्यू, म्यूट ऑल, विजुअल इफेक्ट्स, काफ़ी सारे क्रोम एक्सटेंशंस हैं जो कि हम मीट के लिए, गूगल मीट के लिए डाउनलोड कर सकते हैं. सेम उसी तरीके से हम मोबाइल फ़ोन पे भी डेस्कटॉप वर्जन वाला गूगल मीट चलाएंगे, ताकि हमें मोबाइल से बिल्कुल डेस्कटॉप जैसा ही नज़र आए और हम अपने सारे इन एक्सटेंशंस को यहाँ पर यूज़ कर पाए, जिसके लिए हमें कीवी ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा. तो आइए देखते हैं कीवी ब्राउज़र कैसे डाउनलोड करेंगे और किस तरह से हम गूगल मीट पे ऑनलाइन अटेंडेंस लेंगे मोबाइल फ़ोन से. बाकी सारे जो तरीके हैं वो बिल्कुल सेम है जैसा कि डेस्कटॉप वर्जन में मैंने आपको बताया है. आपका वो फाइल सेव हो जाएगा, CSV फाइल, उसको आप एक्सेल पे खोल दीजिए और आपको अटेंडेंस मिल जाएगा कि कौन कौन से बच्चे आपके क्लास अटेंड किए हैं. तो आइए चलते हैं, देखते हैं. सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन करिए. प्ले स्टोर में टाइप करिए कीवी ब्राउज़र, ये रहा. फिर आप इंस्टॉल करिए. जब ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर इसको आप ओपन कर लीजिए. तो आपका हो गया कीवी ब्राउज़र डाउनलोड. तो हम इसे कर लेते हैं ओपन. ओपन करते ही आप कीवी ब्राउज़र में आ गए. अब आपको ये देखिए, आपने ये कीवी ब्राउज़र खोला. अब आपको ये जो तीन डॉट है, एलिप्सिस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपको ओपन करना है इसका डेस्कटॉप साइट. याद रखिए, फिर से बता दूँ, ये तीन डॉट और डेस्कटॉप साइट. तो हम डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट कर लेते हैं. अब हमने इसका डेस्कटॉप वर्जन ओपन कर लिया है. अब हम आराम से यहाँ पर क्रोम एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर लेंगे. तो हमने लिखा क्रोम एक्सटेंशन फ्रॉम वेब स्टोर. या तो हम सीधा लिखते हैं क्रोम एक्सटेंशन. और लिखने के बाद हम आ गए यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर में. आप जब क्रोम वेब स्टोर में गए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक सर्च का बार मिल रहा है. उस सर्च बार में आप लिखिए मीट अटेंडेंस. और सर्च, जैसे ही आपने सर्च पे क्लिक किया, आपको एक्सटेंशंस मिल गए. एक्सटेंशंस आपको मिले दो यहाँ पे खासकर, एक ये रेड वाला जहाँ पे एप्पल का सिग्नेचर है, और ये एक टिक ग्रीन वाला. तो हम ये वाला डाउनलोड करेंगे
तो आपको करना है ऐड टू क्रोम, इस पे आप क्लिक करके ऐड टू क्रोम कर लीजिए। आपको ये एक पॉपअप मेनू देगा और ये पॉपअप डायलॉग बॉक्स, उसमें पूछेगा कि आप क्या इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हम कर लेते हैं ओके। और ये हो गया हमारा गूगल मीट अटेंडेंस डाउनलोड। और अगर कुछ और भी एक्सटेंशंस आपको डाउनलोड करने हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे कि ग्रिड व्यू फिक्स, ये रहा आपने किया सर्च और खुल गया हमारा एक्सटेंशन गूगल मीट ग्रिड व्यू फिक्स। आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐड टू क्रोम पे क्लिक करके कर सकते हैं, या आपने अगर उस साइन पे क्लिक किया जहाँ पे लिखा हुआ था गूगल मीट ग्रिड फिक्स, तो कुछ पेज ऐसा खुल जाएगा और ऊपर देखिए ऐड टू क्रोम बटन है, इस पे हम क्लिक कर देंगे ओके। तो इस तरह से आप चाहे तो विजुअल इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अभी चलते हैं सीधा गूगल मीट पे। तो यहाँ पे देखिए मीटिंग शुरू करें ये आया है, या अगर आपको आपके टीचर ने या किसी ने आपको मीटिंग कोड दिया है तो आप यहाँ पे वो टाइप कर सकते हैं। फिलहाल हम अपना मीटिंग शुरू करते हैं सीधा सीधी, और क्लिक करते हैं मीटिंग शुरू करें पे। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा लॉगिन, तो हम लॉगिन कर लेते हैं। देना पड़ेगा पासवर्ड। तो हो गया हमारा मीट में लॉगिन। यहाँ पे पूछ रहे हैं meet.google.com wants to use your camera and microphone, आप इसको अलाउ कर दीजिए। कीवी ब्राउज़र, अलाउ कीवी ब्राउज़र टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो, इसको भी अलाउ कर दीजिए। एंड कीवी ब्राउज़र वांट्स टू एक्सेस योर ऑडियो, वांट्स योर ऑडियो, इसको भी कर दीजिए। तो क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा है तो इसीलिए फ़िलहाल ये अभी नहीं कर पाएगा, यही बता रहे हैं। तो अभी सबसे पहले आप इसको कर दीजिए क्लोज, और आप अगर चाहें तो अगर ये मोबाइल सिर्फ आप ही यूज़ करते हैं तो आप इस पासवर्ड को सेव करके रख सकते हैं। तो सेव में क्लिक कर दें और फिर अभी एक स्टूडेंट मीटिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और जैसे अग्निश्वर भट्टाचार्य जी, तो हमने इनको एडमिट कर दिया। तो अभी हम मीट अटेंडेंस को अच्छे से देख पाएंगे क्योंकि वो स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से मीट अटेंडेंस को हम सेव करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सेव बटन जिसपे हमने क्लिक किया, करने पे कीवी नीड स्टोरेज एक्सेस पूछ रहे हैं, एंड अलाउ कीवी ब्राउज़र टू एक्सेस फोटोज़ मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस, अलाउ करते हैं। और फिर डाउनलोड करने के लिए वो बोल रहे हैं डाउनलोड फाइल classlist.csv, ये csv फाइल डाउनलोड होता है जिसे आप एक्सेल में भी ओपन कर सकते हो। तो हमने कर दिया डाउनलोड पे क्लिक, और आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, वो स्टोरेज में चला जाएगा। अब हम उस फाइल को देखने के लिए WPS ऑफिस खोलेंगे। WPS ऑफिस में आप ऊपर देखिए फाइल मैनेजर, वहाँ पे हमने क्लिक किया। क्लिक करते ही नीचे डाउनलोड पे क्लास लिस्ट जो हमने डाउनलोड किया था, अब देखिए ये हमें एक्सेल की तरह मिल गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेट टाइम, और जैसे अग्निश्वर भट्टाचार्य जी, ये किस टाइम पे अराइव किए, अराइवल टाइम भी नज़र आ जाएगा आपको बच्चों का।
ये सेम है बिल्कुल डेस्कटॉप वर्जन में भी, इसी तरह से हमने देखा कि हम डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह से WPS ऑफिस से आपको सब मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से यहाँ से लिस्ट मिल जाएगा। आपको सेव बटन पे क्लिक करना है और आपका फाइल जो है वो सेव हो जाएगा, CSV फाइल, जिसे आप चाहे WPS ऑफिस से ओपन कर ले, जो भी एक्सेल को सपोर्ट करता हो वैसा कोई सॉफ्टवेयर, उससे आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं, जो कि आपको फाइल मैनेजर में डाउनलोड्स में मिल जाएगा। तो इतना ही था ऑनलाइन अटेंडेंस का यूजिंग एंड्रॉयड मोबाइल। थैंक यू। आप दूसरे ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, दूसरे क्रोम एक्सटेंशंस।